फोन पर बात करते लोगों से मोबाइल लूटने वाले गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 85,000 कीमत के 4 मोबाइल के साथ 2 आरोपी गिरफ्तार। मोबाइल चोरी के मामले में उज्जैन पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। यहां पुलिस ने मोबाइल चोर गिरोह को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने फाजलपुरा के रहने वाले तेज सिंह बाथम और राकेश उर्फ बंटू ठाकुर को गिरफ्तार किया है। यह दोनों शातिर चोर लोगों के हाथों से मोबाइल छीन कर ले जाते थे। आरोपी तेज सिंह बाथम पर 5 थानों में प्रकरण दर्ज हैं। पुलिस ने दोनों शातिर चोरों के पास से 4 मोबाइल जब्त किए हैं। यह मोबाइल अलग अलग क्षेत्रों से इन चोरों ने चुराए थे। पुलिस ने वह मोटरसाइकिल भी जब्त की है जिस पर बैठकर यह मोबाइल छीन कर भाग जाया करते थे। थाना पवासा में एक घटना हुई थी जिसमें 2 आरोपियों को पकड़ा गया है। ये दोनों आरोपी जो हैं, ये मोबाइल इनके पास से 4 मोबाइल मिले हैं। ये मोबाइल की स्नैचिंग करना और मोबाइल चोरी करना इनका आदत है इन लोगों की। इसमें से जो एक मुख्य अभियुक्त है, ये पूर्व से आपराधिक प्रवृत्ति का है और इसके पूर्व में मोबाइल चोरी के अपराध हैं और पूर्व में भी इसके पास में मोबाइल जब्त हो चुके हैं। इसने अभी हाल ही में कुछ समय पूर्व बवासा रोड में जो है औद्योगिक क्षेत्र के पास में इसने मोबाइल स्नैचिंग की घटना भी की थी जिसमें ये पकड़ा गया है। इससे 4 मोबाइल मिले हैं। सर कितने अपराधी हैं ये, कब से कर रहे हैं ये अपराधी? इसमें से 2 अपराधी हैं, मुख्य रूप से तेज सिंह है और राकेश हैं। तेज सिंह जो है इसके पूर्व के 5 अपराध हैं और जिसमें सभी चोरी और नकब देने के ही इस प्रकार के अपराध हैं इसके। और जो साथीकरण है वो अभी इसका कोई अपराध नहीं है, साथ में उसने ये घटनाक्रम किया है। मोबाइल चोरी करके क्या थे? मोबाइल चोरी करके ये सस्ते दामों में इसको बेचते थे।